नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवीं दिल्ली च अरुण जेतली दी याद च करवाए जाण वाले समागम नूं संबोधन करनगे। जापान दे साबका प्रधानमंत्री शिंजो आबे नूं भाषण दौरान गोली मारी, पुलिस वल्लों शक्की हमलावर तों पुछगिछ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਿੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ। मौजूदा कौमांतरी टी ट्वेंटी क्रिकेट लड़ी के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 50 दौड़ों के फर्क नाल हराया। ते हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6:30 बजे नवी दिल्ली च पहले अरुण जेतली मैमोरियल लैक्चर दौरान अपने विचार रखेंगे। आर्थिक मामलों बारे विभाग वालों ही समागम करवाया जा रहा है। सिंगापुर सरकार के सीनियर मंत्री समागम दौरान कुंजीवत भाषण देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तो ही करवाए जा रहे 3 दिना कौटल्य आर्थिक सम्मेलन के भागीदारों नाल भी गलबात करेंगे। प्रधानमंत्री जिन्हां प्रमुख अर्थशास्त्रियों नाल गलबात करेंगे उन्हां च जॉनसन हॉपकिंस यूनीवर्सिटी की एनी क्रूगर, लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दे निकोलस स्टर्न, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल तो रॉबर्ट लॉरेंस, कौमांतरी मुद्रा फंड दे साबका कार्यकारी प्रबंध निदेशक जॉन लिपिस्की आदि शामिल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी सर्व भारतीय सिक्ख्या समागम का उद्घाटन किया। अपने संसदीय खेत्र रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिक्ख्या शास्त्रियों संबोधन करद प्रधानमंत्री ने कहा कि नवी कौमी सिक्ख्या नीति 2020 व्यापक विचार वटांदरे तो बाद ल्यांदी गई है। उन्होंने कहा कि इसका मंतव सिक्ख्या तंग मानसिकता तो उपर चुकना आधुनिक विचार जोड़ना है। उन्होंने कहा कि कौमी सिक्ख्या नीति का मंतव हुनर सिक्ख्या 21वीं सदी च भविख दीआं लोड़ां नाल जोड़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूनिवर्सिटियां ते कालजां वल्लों सिर्फ डिग्री धारक ही तैयार नहीं किए जाने चाहिए, सगों अजिही नौजवान पीढ़ी तैयार करनी चाहिए है जिहड़ी देश नूं अगे लिजाण विच समर्थ होवे। उन्हां कहा कि सिक्ख्या खेत्र विच बुनियादी ढांचे च सुधार हो रहा है ते जिहड़ा विद्यार्थियों के चंगे भविख लई कारगर साबित होवेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी आख्या कि नवी कौमी सिक्ख्या नीति ने मात भाषा च सीखण दे दरवाजे खोल दिते ने। उन्हां कहा कि यूनिवर्सिटियां ते कालजां नूं अपने कैंपस विच खेड सभ्याचार नूं उत्साहित करना चाहिए है। स्वागत हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धि है जी, बहुत बड़ी सिद्धि है। लेकिन इसकी विशेषता देखिए, इसको बनाने में तो मंथन हुआ। आम तौर पर सरकार का स्वभाव होता है, एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, वो डॉक्यूमेंट समय के भरोसे छोड़ दिया जाता है, कुछ व्यक्तियों के भरोसे जोड़ जाता है, आपके भी टेबल पे तो कुछ दिन शोभा बढ़ाता है डॉक्यूमेंट, फिर वो भी टेबल पे से हट जाता है, कोई नया डॉक्यूमेंट आता है वो जगह ले लेता है, बात वहीं समाप्त हो जाती है। अनुभव आपको भी है, यहां बैठे हुए लोगों को भी है। हमने ऐसा नहीं होने दिया। हमने हर पल इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जिंदा रखा है। मैं स्वयं भी इतने कम समय में कम से कम 25 सेमिनार में गया हूं, शायद 25 से ज्यादा, और इसी विषय पे मैं बोलता रहा हूं। ये रिपोर्ट देने के बाद स्वयं कस्तूरी रंगन जी लगातार संवाद कर रहे हैं, हर क्षेत्र के लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनके क्लैरिफिकेशन चाहिए समझा रहे हैं, उसके पीछे का विजन क्या है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन वो समझा रहे हैं। इस तो पहला केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनईपी 2020 विद्यार्थियों च तर्कपूर्ण सोच पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि भारत के नौजवान मन च राष्ट्रवाद की भावना मजबूत बनाएगा। केंद्रीय मंत्री ने सिक्ख्या शास्त्रियों सर्व भारतीय सिक्ख्या समागम दौरान एनईपी बारे डूंघाई नाल विचार चर्चा करने की भी अपील की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज ने ग्रैजुएशन पद्धर से एनईपी 2020 लागू किया। उन्होंने यूनिवर्सिटियों के कालजों खोज और विकास को उत्साहित करने की सलाह
ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਐਨਈਪੀ 2020 ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ 'ਚ ਅਕਸ਼ੇ ਪਾਤਰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਰਸੋਈ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਸੋਈ ਲਗਭਗ 150 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1,00,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਗਾ ਰਸੋਈ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। जापान के सबका प्रधानमंत्री शिंजो अबे आज सवेरे पछमी शहर नारा में भाषण देने समय गोली मार दी गई। शुरुआती रिपोर्ट अनुसार शिंजो अबे तो पिछों वार किया गया। गोली लगन तो बाद शिंजो अबे दिल का दौरा पै गया। इलाज लिए उन्होंने फौरी हस्पताल दाखिल करवाया गया। उन्होंने स्थिति वधेरे नाजुक बनी हुई है क्यों जो उन्होंने काफ़ी खून बह गया। जापानी मीडिया मुताबिक हमला करने वाले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शक्की हमलावर तो पूछगिछ की जा रही है। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕਪਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ 'ਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਨ ਟੌਮਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। केंद्र सरकार ने तीनों फौजों च अग्निपथ योजना तहत अग्निवीरों की भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती को लेकर नौजवानों च उत्साह है। देश ही धर्म, देश ही जाति, देश ही तुहाडी पछाण। चलो अग्निवीर, तू अपने राह ते लै देश की सुरक्षा की कमान। राष्ट्र सेवा नाल हुण तू तराशेगा अपने उज्जवल भविख की बुनियाद। नवे नवे हुनर नू कर हासिल, मिलेगी देश नू एक मजबूत आत्मनिर्भर भारती की सौगात। भारत दे अग्निवीर, अग्निवीर बनो। कोलंबो सुरक्षा कानफ्रेंस के मैंबरों की 6वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद्धर की मीटिंग कोची विच हुई। भारत, मालदीव, मॉरीशियस और श्रीलंका इस दे मैंबर देश ने। मीटिंग च बंगलादेश और सेशल्स के वफदा ने अबजरवर के तौर पर हिस्सा लिया। मैंबर देशों ने साल 2022-23 सहयोगली रोडमैप नूं लागू करन बारे चर्चा की। मालदीव च इस साल मार्च च हुई कानफ्रेंस की 5वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद्धर की बैठक च लए गए फैसलों ते भी चर्चा की गई। मीटिंग च सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, अतवाद, समगलिंग और कौमांतरी संगठित अपराध नाल नजिठण बारे चर्चा की गई। मीटिंग च साइबर सुरक्षा, नाजुक बुनियादी ढांचे, तकनोलॉजी की सुरक्षा, मानवतावाद की सहायता, आफत राहत बारे भी चर्चा की गई।
भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ताज़ा अध्ययन च दस्या है कि राज सरकारां दी माली हालत खराब है ते इसलिए इकली कोरोना महामारी जिम्मेवार नहीं है। माली च कमी दा एक वड्डा कारण सूबियां दे खर्चियां च बेलोड़े वाधे नूं दस्या जा रहा है। रिपोर्ट मुताबिक राज सरकारां वल्लों मुफ्त बिजली पानी नकदी वंडन दे रुझान ने उन्हां दी माली हालत बदतर कर दित्ती है। पंजाब बिहार केरल राजस्थान अते पछमी बंगाल माली तौर ते कमजोर राज्यां दी सूची च उपरलियां थावां ते आउंदे ने। रिपोर्ट मुताबिक पंजाब दी हालत इन्नी माड़ी है कि इस दे मालिया दा 20% ब्याज देन विच ही खर्च हो जांदा है। वित्त कमिशन ने उम्मीद जताई है कि कर्जा GDP अनुपात 2025-26 तक घट के 32.5% ते आ जाएगा। पंजाब दी हालत इन्नी माड़ी है कि पिछले 6 सालों तो कर्जा GDP अनुपात 40% ही बनी हुई है। मीडिया रिपोर्टां मुताबिक पंजाब ते इस समय 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। केंद्रीय युवा मामलों ते खेडां बारे मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नवी दिल्ली च बर्मिंगम राष्ट्रमंडल खेडां 2022 च हिस्सा लैण वाली भारतीय टीम नूं रवाना करन मौके करवाए गए एक समागम च हिस्सा लिया। इस समागम भारत विच ओलंपिक खेडां दी गवर्निंग बॉडी भारतीय ओलंपिक संघ वल्लों करवाया गया सी। इस मौके टीम लई अधिकारित किटां भी जारी कीतियां गईआं। ते इस दे नाल ही खबरां दे बुलेटिन खत्म होया। मैं मास्क लगा के स्टूडियो तो बाहर जा रही हाँ। बाहर जाण वेले तुसीं भी मास्क लगा के जाओ। ते हुण इजाजत दिओ। नमस्कार।